हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो उन भारतीयों के लिए जो अपने आप को बहुत होशियार या जीनियस सोचते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जब ड्यूटी का टाइम होता है तब इनको घर भागने की जल्दी होती है, तब इनको लगता है कि हाँ अब हमको घर जाना है, ये करना है, वो करना है, सारे काम उनको ऑफिस में याद आते हैं। आज की जो नाजुक स्थिति है, इस समय हालात ऐसे बने हुए हैं कि हमें अब घर में रहना है, अब जब घर पे हमको रहना है तब इनको सारी कर्तव्यनिष्ठता, सारी इनकी कर्मठता ये सब उफान मार रही है। ये चाहते हैं कि अब हम बाहर जाएं। घर के ऊपर ही हूँ मैं, अपने घर की छत पर ही हूँ और बाहर मैं देख रहा हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, चहल पहल ऐसी मची हुई है जैसे पता नहीं अब गर्मी की छुट्टियाँ आ गई हैं। गर्मी की छुट्टियाँ नहीं आई हैं, मौत का सामान आया है चाइना से। समझिए, चीज़ों की गहराई को समझिए। कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठता, ये सारी चीज़ें आप बाद में दिखा पाएंगे, जिंदा रहेंगे तब दिखा पाएंगे। ये वक्त घर पे रहने का है, घर पे रहिए। क्यों झगड़ रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों से और सुरक्षा कर्मियों से, या जो हमारे डेली हेल्पर्स हैं आप उनसे क्यों झगड़ रहे हैं बाहर निकलने के लिए? अरे घर पे रहोगे, अपने परिवार के साथ समय बिताओगे तो अच्छा रहेगा। अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाहर की ओर, देखिए किस तरीके से लोग घूम रहे हैं। कोई नहीं चाहता घर पे रहना, है ना, और ऐसे ही लोगों को बंद करना अब ज़रूरी हो गया है। किसी भी चीज़ का विरोध या समर्थन, किसी राजनीतिक दल का समर्थन मैं नहीं करता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें घर पर रहना ज़रूरी है। हमारी सजगता ही हमें बचा सकती है, नहीं तो मौत मेड इन चाइना हो ये मुझे तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या आपको मंजूर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप घर से बाहर निकलेंगे अपने घर वालों को खतरे में डालेंगे। आप ठीक है, बेशक आप युवा हैं, तंदुरुस्त हैं, आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बहुत तगड़ी है, आप बच जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जो आपके घर पे बुज़ुर्ग हैं, वो जो आपके घर पे बच्चे हैं, वो उनका क्या? आप उनके लिए तो मौत घर पर लेके आ रहे हैं, ऐसा मत करिए। आपको अगर बहादुरी दिखानी है, लेट जाइए, दौड़ जाइए सीमा पर। कह देते हैं सीमाओं के जवान से कि आप घर पे आ जाए, हमारे इंटरनली हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारे अंदर में इतनी ज़्यादा उत्साह और इतना ज़्यादा साहस भरा हुआ है, हम तो टकरा जाएंगे किसी से भी। अरे जब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, बॉर्डर पार के सैनिक क्या बिगाड़ लेंगे? समझिए चीज़ों की स्थिति को, गंभीरता को। उत्सव नहीं मनाइए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।